ये अध्याय दो आम्लचारक एवं लवण का भाग दो है। इसमें भी हम आम्लचारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, सभी अम्लों में एस्धन आयन होता है, इस कारण इनका गुणधर्म अम्लीय होता है। अम्ल में दो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। देखिए आप, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका एक भाग है एस्धन आयन और दूसरा भाग है क्लोराइड आयन। इस प्रकार आप देखिए नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सभी में ये इनमें धन आयन एस धन आयन है और ऋण आयन इस प्रकार है। तो इनकी विशेषता यह हो गई कि सभी अम्ल में एस धन आयन अवश्य पाया जाता है। जलीय विलयन में, किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में एस धन आयन उत्पन्न होते हैं और ये जो एस धन आयन हैं ये कभी अलग से नहीं रह सकते, हमेशा ये जल में ही रहेंगे। देखिए ये HCl और ये जल से क्रिया कर रहा है तो इसका एक एस धन आयन ये पानी से जुड़ गया और ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन। तो एस धन आयन कभी अलग नहीं रहेंगे हाइड्रोजन, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को इस प्रकार लिख सकते हैं एस धन आयन एक्वस, या इसको हाइड्रोनियम आयन के रूप में हमेशा हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए एस धन आयन ये जल से क्रिया करेगा और तुरंत ये हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार क्षार में भी आयन होते हैं, उसके जलीय विलयन में जो OH आयन होते हैं और इस प्रकार ये NaOH जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो ये सोडियम धन आयन और OH ऋण आयन प्राप्त होते हैं। तो ये एक क्षार की क्या है, विशेषता है कि क्षार में हमेशा एस धन आयन मिलते हैं। अब हम ये अम्ल और क्षारक से संबंधित एक शब्द है क्षार। क्षारक और क्षार में कुछ अंतर है। जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, उन्हें हम क्षारक नहीं कहेंगे। सभी क्षारक पानी में नहीं घुलते हैं, कुछ क्षारक घुल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ये दो शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सांद्र अम्ल भी हो सकता है, सांद्र क्षार भी हो सकता है और तनु। सांद्र का अर्थ है जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा ज़्यादा हो और पानी कम हो, और जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा कम हो और पानी ज़्यादा हो तो वो कहलाता है तनु अम्ल। हम सांद्र को तनु में बदल सकते हैं और तनु को सांद्र में बदल सकते हैं। तो अम्ल या क्षारक का तनुकरण, मतलब सांद्र अम्ल को हमें तनु करना है। तनु का मतलब है उसमें हमें पानी की मात्रा ज़्यादा करनी है। तो हम जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर उनके जो आयन हैं उनकी सांद्रता में कमी आ जाती है, इसे तनुकरण कहते हैं। जब हम अम्ल और क्षार को पानी में मिलाते हैं तो उस समय हमें धीरे धीरे उनको जल में मिलाना चाहिए और मिलाते समय उनको एकदम हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रिया ऊष्मा क्षेपी है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इससे कभी कभी दुर्घटना होने का डर रहता है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अम्ल और क्षार को जल में मिलाना चाहिए। अब कौन से अम्ल प्रबल हैं और कौन से क्षार प्रबल हैं तो हमें कैसे ज्ञात होगा, तो जो अम्ल के एस धन आयन है और क्षार के OH आयन है तो उनकी जो प्रबलता है वो उनकी संख्या पर निर्भर करती है, एस धन आयन और OH ऋण आयन। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे किसमें OH आयन ज़्यादा हैं और किसमें एस धन आयन ज़्यादा हैं कम हैं, तो इसके लिए एक सूचक काम में आता है, सार्वर्तिक सूचक। ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और जो कि एस धन आयन की विभिन्न सांद्रता को रंगों के द्वारा प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ध्यान देना, एस धन आयन की सांद्रता या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। यहाँ पर OH ऋण आयन नहीं देखते हैं, केवल एस धन आयन की सांद्रता हम देखेंगे। साथ में एक pH स्केल है, ये भी सार्वर्तिक सूचक का ही रूप है। इसमें स्केल में
एस धन आयन की हम सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। इस स्केल में शून्य से लेकर 14 तक निशान लगे हुए रहते हैं पीएच। इस प्रकार शून्य से 7 के पहले तक ये यहाँ पर अम्लीय प्रगति के गुण पाए जाते हैं और 7 के बाद इसमें क्षारीय प्रकृति के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जिसमें एस धन सबसे ज़्यादा होगा उसके पीएच वैल्यू कम होगी और जिसमें ओएच ऋण आयन जिसके ज़्यादा होंगे उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। देखिए आप यहाँ पर ये स्केल है शून्य से लेकर 14, बीच में 7 उदासीन। जो भी पदार्थ उदासीन प्रकृति के होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। इस प्रकार हम ये जो नीला रंग दिख रहा है आपको, यहाँ पर एस धन आयन में क्रमशः कमी आती जा रही है और ओ एच आयन का मान बढ़ता जा रहा है। किसी भी पीएच स्केल में हम देखते हैं कि यदि विलयन का मान 7 से कम है, 7 देखिए ये 7 से कम है, तो उसमें एस धन आयन अम्ली प्रगति का होगा, और पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, और यदि पीएच 7 है तो वह उदासीन होगा। पीएच स्केल ये देखिए, यहाँ पर कुछ दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले पदार्थों के नाम दिए हुए हैं। ये अम्लीय, यहाँ 7 के 7 में ये उदासीन और 7 के बाद इसमें क्षारीयता का गुण बढ़ता जाएगा। आप देखते हैं ना कि अम्लीय नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारीय लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस प्रकार हम इनके लिटमस पेपर पत्र के द्वारा इनकी हम जांच कर सकते हैं। तो ये जिसका ज़्यादा गहरा लाल रंग होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पर ये शुरू में होगा। उसके बाद बैटरी, ये नींबू फल हैं, ये फलों के जूस, ये सब अम्लीय प्रकृति के हैं। इनकी वैल्यू देखिए आप, पीएच 7 से कम है। ये फल हैं और ये वर्षा का पानी, आपने कभी कभी सुना होगा अम्लीय वर्षा, तो इसकी पीएच वैल्यू भी 7 से कम है। और यदि शुद्ध पानी है नल का तो वो उदासीन होगा, नहीं तो उसमें अम्लीयता के गुण आ जाते हैं। दूध, दूध भी हल्का सा अम्लीय होता है। इस प्रकार ये देखिए, ये पदार्थ हैं दैनिक जीवन में, ये बेकिंग सोडा क्षारीय प्रवृत्ति का है, हैंड सोप, और इस प्रकार ये अमोनिया और ब्लीच पाउडर, ये सब क्षारीय प्रवृत्ति के हैं। ये सारे पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। इस प्रकार ये जो पीएच स्केल दिया हुआ है कलरफुल, इससे हम पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय गुणों को नाप सकते हैं। ये जो पीएच है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है और दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। हमारा शरीर है जो वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। और कभी कभी आपने देखा होगा अम्लीय वर्षा, जब बिजली कड़कती है तो कभी कभी कारखानों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बारिश के पानी के साथ क्रिया करके पानी को अम्लीय बना देते हैं। तो उस समय जो पीएच है उसका मान 5.6 से कम हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारी फसलें हैं उनको भी एक विशेष पीएच की आवश्यकता होती है। अलग अलग फसलें अलग अलग पीएच पर काम करती हैं। हमारा पाचन तंत्र भी एक विशेष पीएच पर कार्य करता है। हमारे आमाशय में भी एक अम्ल पाया जाता है, कभी कभी इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिटी होने लगती है, तो इसको दूर करने के लिए हम एंटासिड एक दवाई का उपयोग करते हैं जो कि क्षारकीय गुण पाए जाते हैं इसमें। अगला है हमारे मुंह का पीएच, यदि 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत खराब होने